चेहरे पर तेज स्वभाव शांत सौम्य मुस्कान कमाल की एक्टिंग दिल का भला लड़कियों का क्रश फिट बॉडी टीवी में चमकने के बाद चमकता हुआ फिल्मी करियर वो सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास सब कुछ था लेकिन जो नहीं था वो था प्यार और प्यार को संभालने का तरीका इस बात का गवाह उनका गुजरा हुआ वो वक्त रहा जिसमें उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा लेकिन वो प्यार परवान तो चढ़ा लेकिन शादी तक ना पहुंच सका। पवित्र रिश्ता के सेट से प्यार में पड़े सुशांत का अंकिता लोखंडे से लेकर रिया चक्रवर्ती के रूप में सुशांत के जीवन में प्यार आया लेकिन हर बार अधूरा ही रह गया। तो चलिए आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक नज़र डालते हैं सुशांत के अधूरे रिश्तों पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजू। सबसे पहले बात अंकिता लोखंडे की। साल 2016 में अंकिता सुशांत एक दूसरे से अलग हो गए थे। अंकिता और सुशांत की नज़दीकियाँ 2009 में आई टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के दौरान बढ़ी थी। इसके बाद दोनों 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे लेकिन फिर 2016 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अंकिता को इस ब्रेकअप से उभरने में काफ़ी वक्त लगा लेकिन अपनी पुरानी यादों को मिटाते हुए सुशांत ने मार्च 2019 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी फोटो डिलीट कर दी थी जिसमें कुछ अंकिता के साथ की थी। और जब अंकिता को सुशांत की मौत का पता चला तो वो रोई थी और वो कई बार इमोशनल भी हुई। अब बात कृति सेनन की करते हैं। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत का नाम 2017 में आई फिल्म राबता को स्टार कृति सेनन से जुड़ा। 2016 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुशांत और कृति की नज़दीकियों की खबरें आई आम हो चली थी। राबता बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन कृति सुशांत की पर्सनल बॉन्डिंग मजबूत होती चली गई। 2017 में कृति के बर्थडे पर सुशांत ने अपने घर में एक पार्टी भी दी थी। दोनों फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैंगआउट करते हुए भी साथ नजर आते थे। दोनों दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड भी गए थे। हालांकि दोनों एक के बाद एक क्लियर कर कह चुके थे कि वो एक अच्छे दोस्त हैं। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत के तीसरे दिन कृति ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया था। अब आगे नाम आता है सारा अली खान का। कृति से ब्रेकअप के बाद सुशांत सारा अली खान के संपर्क में आए थे। सुशांत सारा की डेब्यू फिल्म केदारनाथ में उनके को-स्टार थे। अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के रिलीज के दौरान ऐसी चर्चाएं थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों के ब्रेकअप की बातें सुनने को मिली। सारा और सुशांत दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी कोई बात नहीं कही। बाद में सुशांत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल में भी सारा का नाम आया था। अब आखिर में नाम आता है रिया चक्रवर्ती का। रिया की सुशांत से पहली मुलाकात 2013 में हुई थी। तब वो यशराज फिल्म की शुद्ध देशी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट के बाजू में यशराज फिल्म्स की एक और फिल्म मेरे डैड की मारुति की शूटिंग चल रही थी जिसमें रिया चक्रवर्ती लीड एक्ट्रेस थी। जहां से दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया तब सुशांत की रिया से जान पहचान बढ़ रही थी तो वहीं अंकिता लोखंडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में सुशांत थे। अंकिता से ब्रेकअप के बाद कृति और फिर सारा से रिश्ता टूटने के बाद सुशांत ने अप्रैल 2019 से रिया के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बीच भी दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर सामने नहीं आए। दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं की लेकिन सुशांत की मौत के बाद रिश्ता कबूल किया गया। सुशांत के जीते जी उन्हें अपना दोस्त बताने वाले रिया ने उनकी मौत के एक महीने बीतने के बाद सोशल मीडिया पर खुद को उनकी गर्लफ्रेंड कहा। रिया ने अमित शाह से सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले ही रिया उनसे ब्रेकअप करके घर छोड़कर चली गई थी। 1 साल हो गया है सुशांत की मौत का गम आज भी उनके फैंस को घेरे हुए है और आज भी उनके लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं। और आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता है।